80 और 90 के दशक की फिल्मों में खलनायकों की अलग ही छवि देखने को मिलती थी, जिनके अलग अंदाज व चेहरे मोहरे से दर्शक भी खौफ खा जाते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जिस खलनायक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसने तो खलनायकी की परिभाषा ही बदल डाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैविन पैकर्ड की। गैविन को अक्सर फिल्मों में खलनायकों की सुरक्षा के लिए एक बॉडी बिल्डर के तौर पर दिखाया जाता था। इनकी बॉडी के उस समय पर यंग जेनरेशन के लोग काफी दीवाने हुआ करते थे, और वो भी गैविन पैकर्ड की तरह ही अपनी बॉडी बनाना चाहते थे। आपको बता दें, संजय दत्त और सुनील शेट्टी जैसे दिग्गज कलाकारों और सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को ट्रेनिंग देने वाले कोई और नहीं बल्कि गैविन पैकर्ड ही थे। गैविन पैकर्ड एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, लेकिन फिल्मों में खलनायकी के खुखार किरदारों की वजह से इन्हें वो सम्मान का दर्जा नहीं मिल सका। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गैविन पैकर्ड के शुरुआती और निजी जीवन के बारे में। गैविन पैकर्ड का जन्म 8 जुलाई 1964 को महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। इनके पिता एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और वहीं इनकी माता हाउसवाइफ। आपको बता दें, ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। ये बचपन से ही चाहते थे कि मेरा शरीर बॉडी बिल्डरों जैसा हो, और इसीलिए इन्होंने अपने युवावस्था के दिनों में आते ही फिटनेस की तरफ पूरा पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। गैविन पैकर्ड अपने समय में बॉडी बिल्डर के तौर पर राष्ट्रीय और राज्य विजेता भी रहे, और अपनी इस गजब की बॉडी के चलते ही इन्हें फिल्मों में मेन विलेन के अंगरक्षक का रोल ऑफर होने लगा। इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना कदम 1989 में आई फिल्म इलाका से रखा। इस फिल्म में काम कर रहे संजय दत्त से इनकी दोस्ती हो गई। इसके बाद संजय दत्त ने काफी समय तक गैविन से फिटनेस और दमदार बॉडी बनाने के लिए ट्रेनिंग ली। गैविन पैकर्ड ने संजय दत्त के साथ साथ बॉलीवुड के कई सुपरस्टारों को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी, जिनमें सुनील शेट्टी, सलमान खान और सलमान के बॉडीगार्ड शेरा का नाम शुमार है। गैविन पैकर्ड ने अपनी दमदार खलनायकी की वजह से कई फिल्मों में यादगार काम किया है, जिनमें फिल्में हैं त्रिदेव, थानेदार, पत्थर के फूल, सड़क, साथी, तिरंगा, आंखें, प्लेटफॉर्म, मोहरा, जल्लाद, करण अर्जुन, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कहर, शेरा जैसी कई फिल्में शामिल हैं, जिन फिल्मों में गैविन पैकर्ड ने शानदार और यादगार काम किया है। गैविन पैकर्ड ने बॉलीवुड के लगभग हर बड़े कलाकार के साथ काम किया, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे कलाकार शामिल हैं। आपको बता दें, गैविन पैकर्ड ने बॉलीवुड के साथ साथ कई मलयालम फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें आर्यन, सीजन, अनाबल मथीरम, आयुष कलाम और जैकपॉट जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन जो पहचान गैविन पैकर्ड को हिंदी सिनेमा से मिली, वो शायद मलयालम सिनेमा इन्हें नहीं दे पाया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना नाम और पहचान पाने के बाद भी न जाने क्या वजह रही कि गैविन पैकर्ड अपने जीवन के आखिरी समय पर थे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से इन्हें कोई बच्चा भी देखने नहीं पहुंचा। दरअसल गैविन पैकर्ड को सांस की बीमारी हो गई, और हैरत की बात तो यह है कि किसी भी फिल्म निर्माता ने इनकी आर्थिक मदद तो करने की दूर की बात, बल्कि इन्हें फिल्म में काम देना भी बंद कर दिया। पैसे ना होने की वजह से गैविन पैकर्ड की गले की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच इनकी पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और इसीलिए ये अपने छोटे भाई के घर जाकर रहने लगे। इसी बीच इनके गले की बीमारी ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि 18 मई सन 2012 को इनकी मौत हो गई, और इन्हें बांद्रा के एक शमशान घाट में अपने भाई की मौजूदगी में ही दफनाया गया। कितने दुख की बात है कि कई अभिनेताओं के ट्रेनर और को-स्टार रहे गैविन पैकर्ड की जब सांस की बीमारी चल रही थी, तो पैसे देने की बात तो दूर की है, किसी ने जाकर हाल तक नहीं पूछा। दोस्तों, ये इंडस्ट्री जितनी दूर से रंग भरी लगती है, उतनी ही नज़दीक से दुख भरी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गैविन पैकर्ड ने लगभग 60 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, और इन्होंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत को फिल्म इंडस्ट्री में झोंक दिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद किया, लोग इन्हें भूल गए। आपको बता दें, गैविन पैकर्ड की 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी एरिका पैकर्ड और छोटी बेटी कामिल कायला पैकर्ड। तो दोस्तों, ये कहानी थी 90 के दशक के दमदार खलनायक गैविन पैकर्ड की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे और भी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।